हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आप कान्हा जी की एक नई ड्रेस बनाकर लाए हैं। बहुत सिंपल है, बड़ी जल्दी बन जाती है, आसानी से बनेंगी। जो न्यू बिगनर्स हैं वो भी उसको बड़ी आसानी से बना लेंगे, क्योंकि कोई थोड़ी भी हार्ड नहीं है। कॉटन का कपड़ा लिया है और लेस लगा दी है और ऊपर बेल्ट लगा दी है, और ये हमने नीचे हमने यहाँ पर ये देखिए चोली भी लगा दी बना दी है। तो चलिए, आप जब तक देखिए हम स्टार्ट करते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए देखिए, हम आपको कान्हा जी को पहना के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे कान्हा जी हैं, हम इनको नीचे से थोड़ा वो पहनाया हुआ है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से हम यहाँ से इनको इस तरह से पहना देंगे। ये देखिए चोली को इस तरह से पहनाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से करके यहाँ से इनको इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से हम नीचे से इनको यहाँ से गांठ लगा देंगे। और इसको आप चाहें तो यहीं गांठ लगा दिए, और नहीं अगर आप चाहें तो इसको एक बार से टाइट करके इस तरह से आप इस बैक साइड में भी आप इसको इस तरह से ये देखें गांठ लगा सकते हैं। आप आगे चाहें तो आगे गांठ लगा दीजिए, पीछे चाहें तो इस तरह घुमा के ये देखेंगे इस तरह आप इनको गांठ लगा दीजिए। तो क्योंकि लटकन तो है ही है, इस तरह ये इनकी जो बेल्ट सी है सुंदर भी लगेगी देखने में और आसानी से आप कभी भी उनको पहना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने उनको ड्रेस पहना दी है। आशा है आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर आप चाहें, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक स्टिच बटन या कोई स्टिच टांका कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है, कितना कपड़ा लिया है। चलिए, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यहाँ पे हमने चोली भी देखिए लगा दी है। चोली का साइज हमने साइड जो है वो नीचे की तरफ किया है, तो अगर आप देखेंगे सीधी ऐसे करके देखेंगे तो आपको ये सीधी साइड से उल्टी दिखाई देगी। तो हम इसको इस तरह रखेंगे और देखिए अभी हम आपको कान्हा जी को पहना के दिखाते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए पहना के हम दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम इनको इस तरह से कान्हा जी को पहना देंगे और उसके बाद इस तरह से हम इनके पैरों के बीच में से ले जा के ये देखिए यहाँ पर हम इनको यहाँ पर बांध देंगे। ये देखिए थोड़ा इस तरह से हम इनको घुमा के इस तरह टाइट कर देंगे, ताकि इनकी जो ड्रेस है वो खुलेगी। और इस तरह से हम बैक साइड में, अब चाहें तो आप फ्रंट साइड में, हमने डोरी बड़ी डाली है तो आप यहाँ पे फ्रंट साइड में भी इनको इस तरह से बांध सकते हैं। देखिए हमने लटकन लगाए हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं और बार बार जो है लेस है वो निकलती भी है। ये देखिए अब जितना चाहें इनको उतना टाइट कर दें। इस तरह से हमने इनकी ड्रेस तैयार कर दी है। आशा है आप लोग को अच्छी लगी हो आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई पिन भी लगा सकते हैं, या कोई स्टिच बटन लगा दीजिए, या वेलक्रो भी लगा दीजिए, चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है, कितना कपड़ा लिया है और कैसे ये बनाई है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी की ड्रेस के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। ये देखिए, ये हमने कपड़ा 3 इंच, आप देखेंगे 3 इंच चौड़ा, और यहाँ से ये देखिए 15 इंच, ये हमारा डबल है, इसलिए हमने ये देखिए 30 इंच की हमने लेंथ ले ली है। यहाँ से इसे देखेंगे, इसलिए हम कॉटन की ड्रेस बना रहे हैं, गर्मियों का टाइम है। ये देखिए 30 इंच का हमने इसकी लेंथ ले ली है, और यहाँ से हमने रेड कलर का कपड़ा लिया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, हमने अस्तर का कपड़ा लिया है। आप चाहे तो कॉटन का ले लें, रियॉन का ले लें, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ये भी हमारा कॉटन का कपड़ा है, इसलिए हमने ये भी अस्तर का कॉटन का कपड़ा लिया है। ये देखिए हमने 2.5 इंच चौड़ा लिया है, और ये भी हमने ये देखेंगे तो यहाँ से 30 इंच का हमने ये भी लंबा लिया है। ये देखिए 30 इंच का हमने लंबाई ली, और ये यहाँ पे हमने कमर के लिए 6 इंच का कपड़ा लिया है। ये देखिए 6 इंच का, और चौड़ाई में हमने 2.5 इंच का लिया है। ये देखेंगे यहाँ से, देखिए 2.5 इंच का हमने
कपड़ा लिया है चौड़ाई के लिए, और ये हमने उनकी ऊपर ऊपर का लिया, हमने 10 इंच लिया है और 1.25 इंच हमने चौड़ाई ली है। तो चलिए अभी सिलाई करते हैं। पहले हम इसको ये देखेंगे, पहले हम इसको इस तरह से पूरा पेज, चाहे आप प्रेस मार लीजिए, चाहे आप इस तरह नाखून से सीधा कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो कपड़ा है वो सेट हो जाएगा। आप चाहें तो आप प्रेस भी मार सकते हैं, चाहे तो इस तरह से भी। ये देखिए अब हम इसको, ये देखिए ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया है। अब हम यहाँ से सीधी साइड से रख के, ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है, इस तरह रख के हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। चलिए सिलाई लगा के फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली, और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह ऊपर रख के इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक। देखिए इस तरह से हम इसको एकदम सीधा कर लेंगे और इस तरह रख के सिलाई करेंगे। तो चलिए सिलाई करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई कर ली है, अब हम यहाँ पे इस सिलाई के करके बाद में इसके ऊपर इस तरह से हम लेस लगाएंगे। तो देखिए लेस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, हम कॉटन के कपड़े के ऊपर कॉटन का ही लेस लगाते हैं तो देखने में भी अच्छी लगती है, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, 4-5 रुपये मीटर मिल जाती है, ये 6 रुपये मीटर। तो चलिए अब ये देखिए यहाँ पे भी हम इसके ऊपर ऊपर लेस लगा देंगे। तो चलिए लेस लगा के फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पे कपड़े के ऊपर ऊपर हमने सब पूरा लेस लगा लिया। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से, ये देखिए यहाँ से इस तरह से दोनों साइड से सिलाई करेंगे, उसके बाद हम यहाँ चुन्नट डालेंगे। चलिए सिलाई कर लें फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड हमने यहाँ सिलाई लगा दी, अब हम यहाँ से चुन्नट डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम पहले ऐसे करके इसके ऊपर रखेंगे, और इसके बाद यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इस तरह हम चुन्नट डालते जाएंगे, यहाँ से इस तरह से छोटे छोटे चुन्नट डालेंगे ताकि हमको 6 इंच हमारी जो थोड़ा थोड़ा दूरी पर हम, ये देखिए रख के इसी तरह हम चुन्नट डाल लेंगे। चलिए चुन्नट डाल लें इसी तरह, ये देखिए इस तरह चुन्नट डाल के, चलिए हम आपको दिखाते हैं डाल के चुन्नट। ये देखिए फ्रेंड हमने यहाँ प्लीट्स डाल दी है, अब हम यहाँ पे ये बेल्ट है, बेल्ट लेके यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, अंदर के साइड में फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से, और नीचे से रखेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से रख के इसके ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा लें, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा लें फिर दिखाते हैं आप। देखिए फ्रेंड हमने यहाँ सिलाई लगाई, अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और साथ में हम यहाँ डोरी डाल देंगे, यहाँ से हम इस तरह से ये डाल के इसको इस तरह से डोरी डाल के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए डोरी आप ध्यान से डालिए, इसके जो डोरी है वो यहाँ पे सिलाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब हम उनके कान्हा जी की ड्रेस को पहना के टाइट करेंगे तो वो टाइट नहीं होगी, यहाँ सिलाई हो जाएगी। इसके लिए आप इसको ध्यान से, चलिए अभी हम सिलाई लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने हमने यहाँ पे इनकी बेल्ट लगा दी और डोरी डाल दी है अंदर, ये हमारा इनका ये देखिए घेर जो है तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर इनकी चोली बनाएंगे। चोली के लिए हमने यहाँ पे हम आपको बताया था कि कितना, ये देखिए चोली के लिए हमने यहाँ 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और 10 इंच हमने लंबा लिया है। ये देखिए 10 इंच हमने लंबा कपड़ा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। जब फोल्ड करके ये जो हमारा हमने उस ये वाला जो डिज़ाइन का कपड़ा है उसको इस तरह लिया है, इस तरह लेंगे और इस तरह इसके ऊपर इसकी पाइपिंग लगाएंगे। चलिए लगा के फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ लगा लिया, अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से ये पाइपिंग लगा देंगे, और साथ में ही हम ये वाली जैसे यहाँ पे हमने लेस लगाई है इसी तरह हम यहाँ भी लेस लगाएंगे। चलिए लगा के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लेस लगा लिया, अब हम इनका देखिए इस तरह से भी हम इनको सेंटर कर देंगे, यहाँ पे हम सेंटर का निशान लगाएंगे।
यहाँ पे हम सेंटर का निशान लगा देंगे। अभी क्या करेंगे इसको, ये देखिए यहाँ से सेंटर का निशान लगाया, हम यहाँ से इसको इस तरह पकड़ेंगे, ये देखिए यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ से इसको भी इसी तरह पकड़ेंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से, ये देखेंगे इस तरह से ये हमारी शेप हो गई। अब दोनों साइड में हम एक जैसे रखेंगे और अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हमने किया तो इसको अभी हम यहाँ पे इस तरह रख के पहले हम यहाँ से इस तरह ले सिलाई लगाएंगे। तो अब हम सिलाई जो है वो यहाँ तक लगाएंगे ताकि जो हमारे कान्हा जी का जो सिर है वो आराम से आ जाए। चलिए सिलाई लगा के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमने इनकी चोली तैयार कर ली। अब हम यहाँ से इनका उल्टा करके इस साइड में हम फिर से निशान लगाएंगे यहाँ पे इसका, ये देखिए सेंटर करेंगे, ये हमारा सेंटर हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसका जो सेंटर है, ये देखिए इसका जो सेंटर है उसको और ये वाले को हम इस तरह से मिला लेंगे, ये देखिए और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना कि ये जो सिलाई है हमारी, ये देखिए नीचे से डोरी दिख रही है, डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अभी हम सिलाई लगा लें फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी जो ड्रेस है कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे इनको इस तरह से ये हम लगाएंगे, लटकन लगा देंगे। लटकन के लिए हम इस तरह से इसको, ये देखिए यहाँ से हम इस तरह रखेंगे और यहाँ रख के यहाँ पे हम सिलाई मारेंगे। चलिए सिलाई लगा के दोनों साइड दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पे इनके लटकन बना दी। अब हम इसको इस तरह से पलटी कर देंगे, ये देखिए तो इस तरह से ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम इस तरह से काट देंगे साइड से, इस तरह से देखिए काट देंगे। ये हमारा दोनों साइड से जो हमने लटकन है तैयार कर ली, इसको भी हम इसी तरह काट देंगे दोनों साइड से ताकि हमारी जो शेप है वो बराबर बने। अब हम यहाँ से इसको भी खींच लेंगे। फ्रेंड्स हमने ड्रेस तैयार कर ली है, हमने यहाँ पर डोरी भी डाल दी और उनका लटकन भी लगा दिया। अब हम उनकी चोली लगाएंगे। चोली को हम देखिए इस तरह से हम बैक में रखेंगे यहाँ से और यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे, देखिए पहले हम यहाँ पे सेंटर में निशान लगाएंगे एक जैसा निशान लगा के ताकि हमारी दोनों साइड में, ये हमने निशान लगाया ताकि हमारा जो गैप है दोनों साइड में एक जैसा रहे। और यहाँ पर हम इस तरह इस साइड को सीधा उल्टी साइड में रखेंगे और इस तरह से हम इसको ऐसे रख के इसको सिलाई लगाएंगे। चलिए सिलाई लगा के दिखाते हैं। इसका साइड हमने साइड जो है वो नीचे की तरफ किया है, तो अगर आप देखेंगे सीधी ऐसे करके देखेंगे तो आपको ये सीधी साइड से उल्टी दिखाई देगी। तो हम इसको इस तरह रखेंगे और देखिए अभी हम आपको कान्हा जी को पहना के दिखाते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए पहना के हम दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम इनको इस तरह से कान्हा जी को पहना देंगे और उसके बाद इस तरह से हम इनके पैरों के बीच में से ले जाके, ये देखिए यहाँ पे हम इनको यहाँ पे बांध देंगे। ये देखिए थोड़ा इस तरह से हम इनको घुमा के इस तरह टाइट कर देंगे ताकि इनकी जो ड्रेस है वो खुलेगी। और इस तरह से हम बैक साइड में, और चाहें तो आप फ्रंट साइड में, हमने डोरी बड़ी डाली है तो आप यहाँ पे फ्रंट साइड में भी इनको इस तरह से बांध सकते हैं। देखिए हमने लटकन लगाए हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं और बार बार जो है लेस है वो निकलती भी नहीं। ये देखिए अब जितना चाहे इनको उतना टाइट कर दें। इस तरह से हमने इनकी ड्रेस तैयार कर दी है। आशा है आप लोग को अच्छी लगी हो आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई पिन भी लगा सकते हैं, जहाँ कोई टिच बटन लगा दीजिए, जहाँ वेलक्रो भी लगा दीजिए, चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है, कितना कपड़ा लिया है और कैसे ये बनाई है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं।